हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं जॉब अपडेट सीरीज। हमने कुल मिला के 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। पिछले सिर्फ 23 दिनों में हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट किया। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों का प्यार हमें यहाँ तक लेके आया है और आगे भी इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। अब हम टारगेट बनाते हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का, फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ जहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब्स वगैरह होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, जो भी होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ आपके सपोर्ट के लिए खुद के लिए एक लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट आज की वीडियो का अगेन रखते हैं 1100 लाइक्स, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप की, जो कि ये जॉब नहीं है लेकिन एक ट्रेनिंग की तरह होता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन बेसिक हर बार की तरह ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, अलग तरह की यहाँ पे प्रोसेस है। तो वीडियो जरा लंबी रहेगी, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक एक डिटेल कवर करने वाला हूँ। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि ये जॉब यानी कि ये अप्रेंटिसशिप जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एक मिनी रत्न की कैटेगरी में आती है, अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको पे कर रही है। तो हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से और उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आई होप आपको जो आप जो ब्रांच से बिलोंग करते हो उनके लिए जॉब 110% है, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो इंजीनियरिंग की पब्लिक है वो ये ब्रांचेस से बिलोंग करती है, तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, और ITI वालों के लिए भी है तो वो भी मैं बताता हूँ। डिप्लोमा और डिग्री अगर आपने मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, ये ब्रांचेस से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट हो गया हो तो, ठीक है ना। फाइनल ईयर वाले यानी कि अभी जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ITI वालों के लिए अलग अलग ट्रेड अप्रेंटिस की ही जॉब है, तो आपने अगर ITI किया हुआ है तो वो भी आप वीडियो में देख लेना, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और अप्रेंटिसशिप में अच्छा खासा पे कर रहे हैं, और ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मिनी रत्न कैटेगरी के में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अलग अलग सीट दी हुई है। तो अगर हम मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल की ग्रेजुएट यानी कि डिग्री वालों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 सीट है, और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 15,000, ठीक है ना। नो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, अगर इसमें IT वालों के लिए यानी कि IT में कंप्यूटर साइंस वाले भी आ गए, तो उसके लिए 4 वैकेंसी है, 4 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे 15,000 उनका है, आपको इमेज दिख रही है। सिविल वालों के लिए 35 सीट्स है और 15,000 अगेन उनके लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 14, और इलेक्ट्रिकल में आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 14 सीट जैसा कि मैंने कहा। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अगर आपने कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ है तो आपके यहाँ पे कैटेगरी है कम्युनिकेशन नेविगेशनल सर्वेलेंस, तो उसमें 3 सीट है। और उसके बाद सीधा चले जाते हैं ग्रेजुएट यानी सॉरी ग्रेजुएट का खत्म हुआ, डिप्लोमा में बात करते हैं। तो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे 16 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे डिप्लोमा वालों को 12,000 स्टाइपेंड पर मंथ के लिए मिलेगा। अब ये स्टाइपेंड, ये जो अप्रेंटिसशिप है कितने टाइम की है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन नेविगेशनल सर्विलेंस, उसमें भी डिप्लोमा वालों के लिए 16 सीट अवेलेबल है 12,000 स्टाइपेंड के साथ। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सिर्फ 1 ही सीट है डिप्लोमा में और 12,000 स्टाइपेंड है। और फिर सिविल वालों के लिए 27 सीट है, 27 सीट है और 12,000। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31 सीट्स है डिप्लोमा में और सेम 12,000। और ITI वालों के लिए बात करें तो ITI में अगर मोटर व्हीकल मैकेनिक हो तो 21 सीट है, स्टाइपेंड 9,000 है, और डीजल मैकेनिक के लिए 2 सीट है, स्टाइपेंड 9,000 है। और यहाँ पे अगर आप साथ में देखते जाओगे तो अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड साथ में बताया जा रहा है, तो मोटर व्हीकल में 1 साल है ITI वालों के लिए, डीजल मैकेनिक में 2 साल है, और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए कंपलसरी सिर्फ 1 ही साल की अप्रेंटिसशिप है, 1 साल, और ITI वालों के लिए 1 से 3 साल के बीच में है। तो अलग अलग के लिए अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन से ITI किया हुआ है तो 1 साल की है 9,000 स्टाइपेंड, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए 2 साल 9,000 स्टाइपेंड। और यहाँ पे फिर कम्युनिकेशन नेविगेशनल सर्विलेंस है तो उनके लिए 1 साल
9000 स्टाइपेंड, और फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप तो अगेन 37 सीट्स है, एक साल 9000 स्टाइपेंड। तो ये सारी चीजें मैं वैसे भी इमेज के साथ डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इतनी सारी वैकेंसी है अलग अलग ब्रांच में, तो अगर आप ये ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर देना चाहिए। आपका अगर अप्रेंटिसशिप अगर मिनी रत्न से होगा, यानी कि एक साल तक आप अगर किसी मिनी रत्न में काम किया है, तो मे बी आपको वो सर्टिफिकेट काम आ सकता है, कहीं ना कहीं आगे काम आ सकता है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अगर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा से बिलोंग करते हो और आप अगर वहां पे रह के कर सकते हो, आसपास के हो, तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे बाहर के स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपलसरी कहा गया है कि आपके पास वो स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। तो आप वहीं के रहने वाले हो तो ही आप अप्लाई कर देना। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले अगर आप बीटेक यानी कि बीटेक और डिप्लोमा बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना रहेगा सबसे पहले, जिसकी वेबसाइट लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और यहाँ पे इसका यहाँ पे वेबसाइट का नाम है MHRDNETS, यानी कि MHRDNETS.gov.in, यानी कि आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये जो है NATS, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कुछ मिलेगा, उसको यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है। और अगर आप ITI यानी कि ट्रेड ITI वाले हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए अलग लिंक है जिसका नाम है apprenticeship.gov.in RADTS करके है, तो वो उसका नंबर आपको डालना होगा। ठीक है, वैसे भी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस में बता दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फी, किसी की भी तरह की एप्लीकेशन फी नहीं लिखी है, लेकिन मैंने अप्रेंटिसशिप वाले वेबसाइट्स यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो शायद वहां पे अगर कुछ पे करने का आएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी पे करना नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस है अप्लाई करने की, वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगी, यानी कि यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, जो मैं एड्रेस यहाँ पे बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ये एड्रेस पे आपको आपका जो फॉर्म है वो भेजना होगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म यही PDF में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट अगर आप खुद ऐसा बना सकते हो तो बना देना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें आपने कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, मतलब मैकेनिकल, ऑटो या फिर ITI वो लिखना है, फिर वर्क सेंटर यानी कि कौन सा वाला वर्क सेंटर, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे अलग अलग सेंटर है, और नेम ऑफ एप्लीकेंट, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। और यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है नेट्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप बीटेक डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो नेट्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करना है, और अगर आप ITI के थ्रू ITI ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको RDAT पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है, और वो नंबर यहाँ पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे आप मुझे ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि दोनों कर ले, तो दोनों करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अगर बीटेक से किया है तो आपको नेट से करना है, और अगर ITI से किया हुआ है तो RDAT से करना है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया है। नाउ यहाँ पे ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, इसकी जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, उसकी लिंक जो है और इसके पूरे आर्टिकल यानी कि ये सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाओ और आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो PDF मिलेगी, उसके एंड में सबसे लास्ट में ये फॉर्म दिया हुआ है, जिसकी प्रिंट आउट आपको निकालनी है, उसके ऊपर मैन्युअली लिख लेना है, उसको एनवेलॉप में पैक करना है, साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको SSC मैट्रिक्स यानी 10th और 12th के मार्कशीट्स, फिर आपका जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा जो भी आपने किया है जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो, वो जो मार्कशीट है, डिग्री है, वो रखना जरूरी है। मतलब कि आपके पास ये होना चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले नहीं कर सकते हैं, जिनकी डिग्री नहीं आई है वो भी नहीं कर सकते, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपने 3 साल के अंदर आपकी डिग्री हुई हो, अगर आपकी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं डिग्री किए हुए, तो आप अप्लाई मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। और पासपोर्ट साइज फोटोज 3 आपको डालने हैं, एनवेलप में पैक करके जो एड्रेस यहाँ पे बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ, वहां पे आपको भेज देना है। फिर आपको वहां से कुछ मैसेज आएगा, फिर वो लोग आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। ये सारी प्रोसेस है। नाउ यहाँ पे एज लिमिट की बात की, तो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है नॉर्मल ओपन कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स, मतलब 24 इयर्स से ज्यादा आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ओपन कैटेगरी में। SC ST वालों के लिए है कंसेशन, है 5 साल का कंसेशन दे दिया है उन्होंने,
और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें डेट्स वगैरह की बात करें तो ये शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन लास्ट डेट इन्होंने दे दी है 18 फरवरी 2019। उससे पहले आपको फॉर्म भेज देना है, मतलब वो लोग 18 से पहले आपका फॉर्म रिसीव कर ले, इस तरह से भेजना है। मतलब आप अगर 17 को भेजते हो और उनको रिसीव होता है 19 को तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सारी चीजें लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के भेजना, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा कि एनवेलोप में अच्छे से लिख लेना कि एप्लीकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे देखो मैं पूरी तरह से एक पैराग्राफ को मेंशन करवा रहा हूं, जो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। यहाँ पे उन्होंने खास करके लिखा हुआ है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड मार्क्ड एज एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप इन डैश ट्रेड। डैश ट्रेड मतलब अगर आप बी बीटेक डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो तो कर दीजिए, वो लिख दीजिए, और आईटीआई से अप्लाई कर रहे हो वो जो कैटेगरी है उसको लिख दीजिए, और बाद में पूरा वो चीज एनवेलोप के ऊपर मेंशन करके लिखना। देखो ऐसी जॉब जो ऐसी अप्रेंटिसशिप होती है उसका सिलेक्शन जो है वो परसेंटेज बेसिस पे होने वाला है, मतलब आपके लास्ट एग्जाम में यानी कि कौन सी एग्जाम वो तो नहीं है, लेकिन आपने जो एग्जाम दी है वो मतलब डी बी बीटेक वाली जो एग्जाम दी है उसके कितने परसेंटेज है उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए तो चांसेस ज्यादा लगने के। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू कि आपकी अप्रेंटिसशिप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो लग जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग जॉब आने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब तो है ही आने वाली है फरवरी मंथ में, तो देखते क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।